अनातोलिया की सरजमीन से तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पहुँचे आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूँ जैसा कि आपको मालूम है कि तुर्की ने गुजा हफ़्ते बहरे अस्द से कुदरती गैस का एक बड़ा ज़ख़ीरा तलाश किया है इसमें अहम खबर यह है कि तुर्की ने यह तलाश किसी बैरूनी कम्पनी के तान से भारी रकम लगा नहीं की बल्कि इसने अपने रगबरदार जहाज़ से यह कामयाबी हासिल की है आज हम तुर्की के इस तजर्बे की रोशनी में पाकिस्तान के बहैरा अरब में गैस और तेल के तलाश का जायजा लेंगे और इसबाक तलाश करेंगे और इसके साथ साथ तुर्क पार्लिमेंटेरियन और सितारे पाकिस्तान हासिल करने वाले जनाब अली शाह की एक तजवीज़ पर भी रोशनी डालेंगे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाक तुर्क दोस्ती की पहचान बनने पर सितार पाकिस्तान से नवाजे जाने वाले तुर्क पार्लिमेंटेरियन और तुर्की पार्लीमेंट पार्लीमेंट के इंतजामी अमूर के सरबरा अली शाहीन ने तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान समंदरी हदूद में तेल और गैस की तलाश के लिए एक माहदे की तजवीज़ दी है इस पर भी गौर करते हैं इनकी इस तजवीज़ को बड़े पैमाने पर सराहा भी गया है और समाजी रबतों की वेबसाइट पर सारफी ने ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ऐसा माहदा होना ज़रूरी है तुर्की ने बहरे असवद में तेल और गैस की तलाश 1970 में शुरू की थी इसके बाद कई बार ये कोशिशें हुईं और नाकाम गुजरी तुर्की ये काम हमेशा बैरूनी कंपनियों की मदद से कर रहा था जो इब्ताई मरहल पर तो खुशखबरियाँ सुनाती थीं लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता और आहिस्ता आहिस्ता वो खुशखबरी बदकस्मत खबर बन जाती थी और मालूम पड़ता था कि तुर्की ने बहरा असद से कुछ नहीं हासिल किया तुर्क सदर इरदवान ने तुर्की की ये पॉलिसी बदली और इसके मुकाबले में अपने रगबरदार जहाज़ मतलब अपने ड्रिल शिप बनाने का ऐलान किया 2017 में होंडाई का 2011 मॉडल का एक रगबरदार जहाज़ तुर्की ने चार फॉन्ट शिपिंग लिमिटेड से ख़रीदा और दो साल इसकी मॉडर्नाइजेशन की और इसका नाम फाते रख दिया 2019 में फतह इस्तंब की सालगिरह के दिन तुर्क सदर इरदवान ने इस फाते जहाज को बहर रसद में आ, तेल और गैस की तलाश के लिए खुद रवाना किया और सिर्फ एक साल के बाद इस फाते ने यह खुशखबरी सुनाई ये फतह किया कि बहर रसद में तुर्की ने गैस का एक बड़ा जख़ीरा तलाश कर लिया है दूसरी तरफ पाकिस्तान बहरा अरब में तेल और गैस की तलाश पर 18 कोशें कर चुका है जिस पर लगभग 100 मिलियन डॉलर की रकम खर्च हो चुकी है इस सिलसिले में सबसे पहली कोशिश उन्नीस में की गई और इसमें एक अमेरिकी कंपनी ई e को कंपनी को हायर किया गया लेकिन नतीजा सिफर निकला बहरे अरब में दूसरी तीसरी चौथी पांचवी यह लगातार कोशिशें होती होती 18वीं कोशिश 2019 में की गई यह ड्रिलिंग दरअसल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसमें इंटरनेशनल चार कंपनियों में हिस्सा लिया जो मुश्तरक कोशिश थी जिसमें उनके शेयर्स थे और इनकी क्यादत इटली की कंपनी एन कर रही थी साढ़े पाँच हजार से ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की गई और इब्तदाई रिपोर्ट में इशारे दिए गए हती के अमरीकी कंपनी एग्ज़ान को प्रेशर किक्स भी मिले और जब भी गैस और तेल की तलाश के सिलसिले में प्रेशर किक्स मिलते हैं ड्रिलिंग के दौरान तो उसका मतलब होता है कि तेल और गैस के दरखाए ऐर जो है दरियाफ्त कर लिए गए हैं और जिस इस जगह पर गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है तेल का ज़खीरा मौजूद है लेकिन आखिरी रिपोर्ट में ख़बर दी गई कि कुछ नहीं मिला और यूं ये कोशिश भी नाकाम गई तेल और गैस की तलाश का मशअला इंतहाई कीमती है और इस सनत में ज़्यादातर काम भी नकद किया जाता है एक कयास के मुताबिक बहरा अरब में योमिया खुदाई पर पाँच लाख डॉलर खर्च किए गए हैं और यह सिर्फ खुदाई का खर्चा है इससे कबल तहकीक़त में करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं तुर्की ने भी अपने रगबरदार जहाज़ की मदद से बहरा असवद में केकड़ा वन से गैस का जखीरा तलाश किया जिसकी पैदावार 2023 में शुरू हो जाएगी और वहाँ से हासिल किए गए नमूनों की लेबार्टी तस्दीक भी हो चुकी है कि वहाँ से बेहतर क्वालिटी की कुदरती गैस मिली है जैसे कि मैंने बताया है कि तुर्की अपने समंदरों में तेल और गैस की तलाश के काम एक बड़े अरसे से करता चला आ रहा है और यह काम आलमी कंपनीों से करवाया जाता था करोड़ों डॉलर देकर फिर रजत तय ने जैसे कि बताया मैंने कि यह काम अपने जहाज़ तैयार करके शुरू किया तो उसको नतीजा भी मिला और इस वक्त तुर्की के पास याउज, फाते, कानूनी के नाम से तीन बड़े रगबरदार जहाज़ मौजूद हैं जबकि चौथा जहाज़ बारबरोस भी तैयारी के, के मराहल में है तलाश के लिए तुर्की के पास एक बड़ा समंदर है बहरा रूम है एजेंसी है बहरा असवद है और इस तरह यह तलाश के लिए एक बड़ी हदूद का मालिक है और पाकिस्तान के पास सिर्फ़ बहरा अरब की एक पट्टी है इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए तुर्की के इस तजर्बे के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसमें सितारा पाकिस्तान हासिल करने वाले तुर्क पार्लिमेंटेरियन अली शाहिन की तजवीज़ नहायत काबिल गौर है पाकिस्तान अपने बातमाद बरदर और दोस्त मुल्क की मदद से बहैरा अरब में तेल और गैस की तलाश को पाया तकमील तक, तक पहुँचा सकता है दुनिया में तेल गैस और इसकी समंदरी तलाश कभी भी पहली कोशों में मुमकिन नहीं हुई बल्कि अगर लीबिया को देखा जाए तो उसने अट्ठावन कोशों के बाद कामयाबी हासिल की है और नॉर्वे जैसा मुल्क जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता उसने अठहत्तर कोशें की और उसके बाद कैस का एक बड़ा जखीरा उसके हाथ लगा इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अब तक जो ड्रिलिंग की है उससे पाकिस्तान को एक बहुत मुस्बित डेटा मिला है प्रेशर किक्स मिली हैं और इस ये जिसकी बात की निशानदेही करती हैं कि बहरा अरब में पाकिस्तानी बेल्ट के अंदर तेल और गैस के शवाहिद मौजूद हैं लेकिन ये कंपनियां तलाश नहीं कर पा रही और ये कोशिशें बार बार होती हैं और जैसे कि मैंने बताया है कि नारवे और लीबिया का हवाला दिया है इंडिया का भी हवाला दिया जा सकता है इस सिलसिले में बहरा अस्वद में गैस तलाश करने वाले तुर्की के खुशकिस्मत रगबरदार जहाज़ फाते को बहर अरब के पानियों में भी आजमाया जा सकता है इस तजवीज़ पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह ने बान।